जो पत्थर पहने जाते हैं जैसा कि नीलम तो इसमें कहते हैं असर होता है वो नसीब को बदल सकता है ये बात पत्थरों के बारे में ठीक है किसी को पूछ रहे हैं दुनिया में अगर कोई पत्थर किसी का नसीब बदल सकता ना तो वो है जो काबे के दीवार के अंदर नसब है हजर असवद जिसके बारे में जाम तिरमजी में हदीस है कि ये जन्नत से उतारा गया याकूत है नबी इस्लाम ने उसका बोसा लिया है बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है हजरत उमर कहते हैं कि ए हजर असवत तू एक पत्थर ही तो है अगर मैं अपने नबी को ना देखता सल्लल्लाहु अलैहि के वो तुझे चूम रहे हैं तो मैं तुझे चूमता भी ना ना तू किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान ये हजरत उमर का कैदा है अगर जन्नत का पत्थर कोई नफा नुकसान नहीं दे सकता तो बुजुर्गों के मजारात के ऊपर रखे हुए पत्थर और अंगूठियों में लगाए गए नगीने ही कोई नहीं ठीक है हती के जाम तिर में यहां तक है कि हजर असवदत को अल्लाह तला क्यामत वाले दिन दो आंखें देगा जुबान देगा वो दुनिया में जिन लोगों ने उसे चूमा होगा उनके ईमान की गवाही देंगे तो वहां तो सारे फिरके के लोग जाके चूमते हैं ये तो एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते सवाल है ना गवाही तो इनसे लेनी चाहिए अगर इनका बस चले तो लेकिन नफा नुकसान नहीं वो दे सकता ये कोई नफा नुकसान नहीं है वो तो आप जिस जगह पे नमाज पढ़ते हैं वो जगह भी गवाही देगी आसमान भी गवाही देगा उसने हमें क्या नफा पहुंचाया फरिश्ते भी गवाही देंगे अल्लाह को फरिश्तों की गवाही की हाजत है इसमें आगे कहानी जोड़ी हुई है उन्होंने मौलाली के बारे में वो ये दीश अलमस्तदरकली हाकिम में मौजूद है कि जब हजरत उमर ने कहा ना कि तू एक पत्थर है ना किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान तो हजरत अली ने कहा कि अमिर ये लोगों के ईमान की गवाही देगा क्या वाले दिन तो लिहाजा ये नफा भी देता है और नुकसान भी और वो मैंने लॉजिकली कहा कि ये बात है ही गलत है ये कोई नफा नुकसान वाली बात तो नहीं है वो तो हर एक जगह गवाही देगी और दूसरी बात यह मौला अली का जो आगे कॉल एड हुआ है ना उस सनत के अंदर अबू हारून रावी कजाब झूठा मतरूक रावी है यह भी पढ़ा करो ना अलग ये भी लिखे है रवायत ही जाली है रिवायत उतनी दुरुस्त है जो बुखारी मुस्लिम में आई है तो किसी से कोई नफा नुकसान कोई तकदीर नहीं इस तरीके से बदलती अगर वो कहता है बदल सकती है तो दुनिया में जिन लोगों ने एफर्ट की है या अल्लाह ने उनकी तकदीर में कोई मसला इस तरह का लिखा है उनके लिए अल्लाह तला ने इस तरह के रिस्क के ध्यान जिसे आप रिस्क समझते हैं क्योंकि आप तो सिर्फ पैसे को और जैदाद को इन चीजों को रिस्क समझते हैं ना रिस्क तो अल्लाह की हर नेमत है आपके घर में अगर कोई इलाज मरीज नहीं है कि जिसकी दवाइयों का खर्चा तीस चालीस हजार रुपया महीने का हो तो तीस चालीस हजार का रिस्क तो अल्लाह ने आपका भी खोला हुआ है ना एक करोड़ रुपया कोई ले ले और मुझे अपना जिगर काट के दे दे अपनी एक आंख निकाल के दे दे वो प्रोफेशनल बेचने वाले तो छोड़ दे आम बंदा कोई बेचता है दुनिया में सैकड़ों अरबपति लोग ऐसे हैं जो नमक मिर्च वाली चीज नहीं खा सकते उनके अपने होटल हैं इस तरह करने से कुछ होता है मेरे भाई अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ आपको तो अल्लाह की नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करें